हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कामरान द एजुकेटर। आज की वीडियो में मॉडर्न पीरियोडिक चार्ट ऑफ द एलिमेंट बताएंगे और बहुत ही यूज़फुल होगा ये नाइन्थ क्लास के लिए, टेंथ क्लास के लिए और इंटरमीडिएट के लिए, डिग्री के लिए भी काफ़ी यूज़फुल होगा। जो भी स्टूडेंट्स फिजिक्स केमिस्ट्री से रिलेटेड है तो वीडियो को ज़रूर शेयर करिए, हम एक के बाद एक आपको यहाँ पर डिटेल समझेंगे। ठीक है, अब आपके सामने यहाँ पे देखिए फर्स्ट एटॉमिक नंबर दिख रहा है यहाँ पे वन। ठीक है, ये फर्स्ट एटॉमिक नंबर जो है हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन H बोले तो सिंबल को बोलते हैं। और यहाँ पे जो नीचे दिख रहा है आपको हाइड्रोजन, इसको हम एलिमेंट नेम बोलते हैं, इसको सिंबल बोलते हैं। और ये सौ में ऊपर आपको जो दिख रहा है 1.008, ये एटॉमिक वेट होता है एटॉमिक नंबर का। ठीक है, एटॉमिक नंबर जो है वन हो गया और एटॉमिक वेट जो है 1.008 हो गया, ये सिंबल है। इसके नीचे जो है एलिमेंट का नेम है हाइड्रोजन। ठीक है, और ये जो नीचे आपको दिख रहा है ये इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी 1s1 है। ठीक है, अब यहाँ पे हम आ जाते हैं, उससे पहले आपको जो है डिटेल में बता दिए, पहले ये देख लीजिए कि सिंबल्स ऑफ सॉलिड्स आर शोन इन ब्लैक। ठीक है, देखिए जो दिख रहे ब्लैक ये जो है सॉलिड्स के हैं, रेड में जो भी बता रहे हैं वो जो है गैसेस है, और ब्लू में जो आपको दिखेंगे आगे चल के, देखिए यहाँ पे ब्लू में जीए दिख रहा है आपको, ये जो है जीए ब्लू में जो दिख रहे हैं वो जो है लिक्विड्स होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो ये कलर आप देख रहे हैं फर्स्ट वन, इसको अल्कली मेटल्स बोलते हैं। ये कलर जो आप देख रहे हैं इसको ट्रांसिशन मेटल्स बोलते हैं। और ये कलर के जितने भी आएंगे एलिमेंट्स इसको इनर ट्रांसिशन मेटल्स बोलते हैं और इसको नॉन मेटल्स बोलते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट फर्स्ट आ जाते हैं एटॉमिक नंबर वन हाइड्रोजन। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s1। नेक्स्ट सेकेंड वन आ जाते हैं हीलियम। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 है और एटॉमिक जो वेट होता है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं 4.0026। ठीक है, ये जो है एटॉमिक नंबर है। तो यहाँ पे मैं आपको तीसरा बता देता हूँ, थर्ड वन लिथियम है एटॉमिक नंबर, फोर्थ वन बेरिलियम है, फिफ्थ वन बोरॉन है एटॉमिक नंबर। ठीक है, सिक्स्थ कार्बन है, सेवन्थ एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन है, एट्थ ऑक्सीजन है, नाइन्थ फ्लोरीन है, एफ टेंथ नियॉन है। ठीक है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप नीचे देख सकते हैं 1s2 2p 2s2 2p6, एटॉमिक वेट भी देख सकते हैं 20.18। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं टेंथ के बाद जो है एलेवेंथ वन एटॉमिक वेट 11, सोडियम है एटॉमिक नंबर, मैग्नीशियम है 13th वन, Al एल्यूमिनियम है, 14th सिलिकॉन है, 15th फॉस्फरस है, 16th सल्फर है, 17th जो है क्लोरीन है। अब जो रेड लाइन आपको यहाँ पे जो रेड में दिख रहा है ये गैसेस है। ठीक है, ब्लू में जो दिखेगा वो लिक्विड होगा, ब्लैक में जो दिखेगा वो सॉलिड होगा। ठीक है, और ये भी जो है गैसेस है, Ar यानी कि आर्गन। ठीक है, 18 एटॉमिक नंबर। 19 एटॉमिक नंबर पे आ जाते हैं के पोटेशियम है, 20 एटॉमिक नंबर कैल्शियम है, 21 जो है स्कैंडियम है, Sc इसका सिंबल है, 22 एटॉमिक नंबर टिटेनियम है, 23 वेनेडियम है, 24 क्रोमियम है, 25th मैंगनीज है, 26th Fe आयरन है, 27th कोबाल्ट है, 28 निकिल है, और 29th कॉपर है, 30th नंबर जिंक है, Zn इसका सिंबल है, एटॉमिक वेट 65.39 है, एटॉमिक नंबर 30 है, और जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी वो 3d10 4s2 रहेगी। 31 एटॉमिक नंबर देख सकते हैं आप Ga गैलियम है और ये ब्लू कलर का दिख रहा है यानी कि ये लिक्विड है। ठीक है, 32 पे आ जाते हैं जर्मेनियम है, 33 आर्सेनिक है, 34 सेलिनियम है, 35 एटॉमिक नंबर ब्रोमीन है, 36 एटॉमिक नंबर जो है क्रिप्टॉन है, Kr है इसका, और इसके ऊपर जो आप देख रहे हैं 83.8 एटॉमिक वेट है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप नोट डाउन कर सकते हैं 3d10 4s2 4p6, यानी कि 3d10 ऑर्बिटल्स है, 4s2 ऑर्बिटल्स है, और 4p6 जो है ये भी ऑर्बिटल्स होते हैं। नेक्स्ट 37 एटॉमिक नंबर पे आ जाते हैं Rb रुबिडियम है, 38 Sr स्ट्रॉन्टियम है, 39 Y विट्रियम है, 40 जो है एटॉमिक नंबर पे आते हैं ज़िरकोनियम, इसका एटॉमिक वेट